हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कन्वर्जन टॉपिक ऑफ द चैप्टर मेजरमेंट। मेजरमेंट चैप्टर में आपको ये कन्वर्जन टॉपिक दिया था, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ हायर यूनिट्स इनटू लोअर यूनिट्स, कन्वर्जन किसका यहाँ पे होगा, हायर यूनिट का लोअर यूनिट में चेंज कैसे होता है। टू कन्वर्ट अ हायर यूनिट इनटू अ लोअर यूनिट, हायर यूनिट को लोअर यूनिट में चेंज करते हैं कब, वी मल्टीप्लाई बाय 10, 100 या 1000 एज पर द केस। तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से या 100 से या 1000 से, केस के अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन पूछा होता है उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे है कन्वर्ट 5 मीटर 6 हैंड, यहाँ पे क्या है, 5 km 600 मीटर को मीटर में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे मीटर में कह रहा है, तो 600 मीटर आपको ऑलरेडी मीटर में दिया हुआ है, तो हमें 5 km को ही मीटर में चेंज करना है। तो वी नो डेट 1 km इज इक्वल टू 1000 मीटर, सो 5 km इज इक्वल टू 500 मीटर। ये कैसे आएगा आपका, 5 में मल्टीप्लाई करेंगे जब 1000 मीटर का, तो बेटा ये आपका 5000 मीटर आएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 5 km 600 मीटर इज इक्वल टू 5000 मीटर जो हमने अभी चेंज किया, हम इसका आंसर मिला। और 600 मीटर, मीटर ऑलरेडी मीटर में था, इसे हम एज इट इज़ ऐसा ही यहाँ पे ऐड करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा 5600 मीटर। देन यहाँ पे है कन्वर्ट 8 kg 600 ग्राम इनटू ग्राम, सेम ऐसे ही यहाँ पे इस तरीके से है। तो सबसे पहले देखिए 600 ग्राम तो ऑलरेडी ग्राम में दिया हुआ है, इसे हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। केजी को ग्राम में ऐड करेंगे, सॉरी कन्वर्ट करेंगे, तो 1 kg को इक्वल टू कितना होता है 1000 ग्राम, 8 kg इक्वल टू 800 ग्राम। अब इस 800 ग्राम को और 600 ग्राम को हम यहाँ पर ऐड जब करेंगे तो हमें 600 ग्राम आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और कन्वर्जन दिया हुआ है। अब यहाँ पे KL, किलोलीटर को लीटर, किलोलीटर और लीटर में यहाँ पे यूनिट दी हुई है, ऐसा हमें लीटर में चेंज करना है। फिर से हम देखते हैं 85, तो ऑलरेडी लीटर L में चेंज दिया हुआ है, ऐसा हमें चेंज करने की कोई नीड नहीं है। 5 KL है तो 1 KL इक्वल टू 1 किलोलीटर इक्वल टू 1000 लीटर, तो 5 KL में हम क्या करेंगे, 5 में 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा कि पहले ही दिया हुआ था कि हम क्या करते हैं जब हम कन्वर्जन करते हैं, तो या 10 का या 100 का या 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों किया, क्योंकि 1 KL में इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5000 लीटर आएगा। देन 5 KL 85 लीटर को हम जब चेंज करेंगे, जब हमें 5 KL की यूनिट हमें क्या मिली आंसर, 5000 लीटर। हम यहाँ 5000 लीटर लिखे प्लस 85 लीटर यहाँ पे लिख के जब हम ऐड करेंगे तो 5085 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे भी कन्वर्जन ऑफ लोअर यूनिट इनटू हायर यूनिट। लोअर यूनिट को हायर यूनिट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जब हम लोअर यूनिट को हायर यूनिट में चेंज करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं किससे, 10 से 100 से या 1000 से। अब आप ध्यान दीजिएगा, जब हम हायर से, मतलब जब हम हायर से लोअर की तरफ जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, एंड जब हम लोअर से हाई की तरफ जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। ओके बेटा, तो आइए यहाँ पे भी हम इसे भी डिस्कस करते हैं। कन्वर्ट 8462 mm into mm, mm मतलब ये मिलीमीटर दिया हुआ है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर यहाँ पे दिया है, तो 1 mm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है कि अब किसका पूछ रहा है, हमें 8462 का पूछ रहा है। तो 1 मीटर में जब 1 mm इज इक्वल टू 1/1000 मीटर हुआ, तो 8462 mm इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 8462 × 1/1000। या आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप 8462 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो वह 8462 × 1000 ही आएगा, है ना। तो फिर जैसे मैंने इसके पहले एक्सरसाइज 1 में बताया था कि 1000 में आपको 8462 का करेंगे तो 8 टाइम्स में कटेगा, है ना। तो जो आपका ये कोसेंट होगा वो हो गया, ये आपका किस में चेंज हो जाएगा, ये पूरा देखिए मीटर में है ना, तो ये देखिए यहाँ पे करने, जब आप इसको आप चेंज करेंगे तो ये पूरा मीटर में चेंज हो जाएगा, जो आपका ये आंसर आएगा देखिए 8.462। मतलब मैं आपको इसको एक सॉल्व करके यहाँ पे दिखाती हूँ। देखिए जैसे आपने यहाँ पे 1000 लिया, ठीक है 1000 दिया हुआ है, फिर आपको डिवाइड क्या करना था, 8462, तो 100 को जब हम 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी जब 1000 को 8 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 100, ये देखिए जब 1000 मल्टीप्लाई बाई 8 किया तो हमें क्या मिला, 8000 मिला। यहाँ से 2 से 0 को माइनस किया 2, 6 से 0 को माइनस किया 6 आया, 4 से 0 को माइनस किया 4 आया,
ठीक है। फिर हम यहाँ पे ये तो क्रॉस हो गया, अभी हमारा ये बच गया है ना। तो हमें ये से पूरा पूरी तरीके सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा। डेसिमल लगाने के बाद ये यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो 1004 क्या होता है, 4000। फिर ऐसे 0, 2, 6 आ जाएगा, ये 4 क्रॉस हो जाएगा है ना। फिर क्या करेंगे, फिर हम 6 टाइम, फिर यहाँ पे जब एक बार हम डेसिमल बेटा लगा लेते हैं तो हम किसी भी डिजिट में आगे फिर जीरो लगा सकते हैं अपने साइड से। यहाँ पे जीरो लगाया, फिर 1000 6 6000 हो जाएगा। फिर जब हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पे आपका क्या आएगा, 200 आएगा। अब 200 यहाँ पे आ गया, एक बार डेसिमल लग चुका है तो हम यहाँ पे फिर से एक जीरो लगा के 1000 2000 2000 करके पूरे तरीके से कट कर देंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा 8.462 meters। समझ में आया? तो इस तरीके से देखा हमने, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया। आगे देखिए, यहाँ पे है सेम वैसे ही है, 425 meters को किलोमीटर में चेंज करना था। तो अब यहाँ पे था 1 km, मतलब 1 km इसको 2000 meters था। अब 1 meter इसको टू, जब इसको चेंज करेंगे 1/1000 km होगा। तो वही चीज़ मैंने बताया, जैसे इस तरीके से यहाँ पे लिखा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 425/1000। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे जैसे कि अभी आपने, मैंने ऊपर वाला किया था। ये थोड़ा सा डिफरेंट है तो मैं बताती हूँ। ये देखिए 1000 4.25 है, सॉरी 425 था, पॉइंट नहीं था, ये 1000, ये 425 हुआ, ठीक है। अब आप देखिए, हमें टेबल पढ़ना है 1000 का, लेकिन यहाँ पे तो 100 में दिया हुआ है, तो ये आपका होगा नहीं। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, ऐसे के लिए हम करते हैं जी, हम कभी भी डेसिमल को, जब हमें सबसे पहले डेसिमल लगाना होता है बिना किसी नंबर के पहले, तो हम डायरेक्ट डेसिमल इस तरीके से नहीं लगाते। जैसे मान लीजिए ये आपका 1000 है, यहाँ पे 425 है, तो हम डायरेक्ट कभी भी ऐसे डेसिमल लगा के जीरो यहाँ पे नहीं राइट करते। उसके लिए प्रोसेस है कि आप जीरो लगाइए, फिर पॉइंट लगाइए, तब यहाँ पे जीरो बढ़ेगा, फिर 1000 4 4000 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 250 आएगा, फिर 1000 2000 क्या आ जाएगा, यहाँ पे जीरो एक बढ़ा देंगे क्योंकि एक बार पॉइंट लग चुका है, तो यहाँ पे 2000 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम उसको माइनस करेंगे तो 500 आ जाएगा। एक बार यहाँ पे डेसिमल लग गया है तो हम यहाँ पे जीरो बढ़ा के 500 हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। मैं फिर से एक बार बताती हूँ कि जब कभी भी हमें डिवाइड छोटे नंबर में करना होता है, जैसे कि 1000 का टेबल हम पढ़ नहीं सकते ना, जिसमें 425 है ना, तो इस केस में हमें क्या करना होता है कि हम डायरेक्ट डेसिमल नहीं लगाते। डेसिमल के पहले हमें जीरो डेसिमल लगाना होता है, फिर हम यहाँ पे जीरो बढ़ा लेते हैं, ठीक है। आगे है यहाँ पे कन्वर्ट 5872 mg इंटू ग्राम, ठीक है। तो इसी को भी हम देखिए यहाँ पे चेंज किया गया है, देखते हैं। वी नो डैट, हम जानते हैं कि 1 gram में 1000 mg होता है, मिलीग्राम होता है, तो 1 mg में 1/1000 gram हो जाएगा। सेम इसी प्रोसेस से हम करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड करने के लिए जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 5872 को 1 में, तो 5872/1000 आ जाएगा। फिर आप 1000 को ऐसा करके 5872 आप डिवाइड कर देंगे, ओके बेटा। फिर यहाँ पे है 25 cl और 25 ml को लीटर में चेंज करना है। तो इसके लिए थोड़ा प्रोसेस चेंज है, इससे हम बहुत अच्छे से यहाँ पे समझते हैं, ओके। देखिए, वी नो डैट 1 liter इज इक्वल टू, पहले हम 25 cl को चेंज करेंगे लीटर में, ठीक है। तो 1 liter इज इक्वल टू 100 cl होता है, सेंटीलीटर। तो 1 cl में क्या आ जाएगा, 1/100 liter आ जाएगा। अब यही प्रोसेस करेंगे 25 cl में, फिर कितना होगा, 25 × 1/100। इस 25 को जब हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 25/100 liter आ जाएगा। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे, फिर से वही प्रोसेस हुआ। देखिए, अब यहाँ पे तो बाहर 2000 हो गया, अंदर 25, ये नंबर तो छोटा है, डिवाइड होगा नहीं होगा। तो इस केस में हम डायरेक्ट जीरो नहीं लगाते, डायरेक्ट जीरो नहीं ऐड कर सकते। इसके लिए हमें जीरो पॉइंट यहाँ लगाने के बाद जीरो ऐड करना होगा। फिर 1000 2000 कितना होता है, सॉरी 100 2000 200। फिर ये ज़ीरो, फिर 5 2 क्रॉस हो जाएगा। अब हमने एक बार यहाँ डेसिमल लगा लिया तो हम यहाँ डेसिमल बढ़ा सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये देखिए 5 आएगा, ठीक है। 100 5 जा 500 हो जाएगा, ओके।
तो जब हमने इसको यहाँ पे देखिए 0.25 आपका आ गया ये आपको। अब यहाँ पे देखिए लिखा था 25 ml, तो यहाँ पे है कि फिर से देखिए 1 L = 1000 ml होता है, तो 1 ml = 1/1000 L हो गया। अब 25 ml का पूछ रहे हैं, यहाँ 1 ml का दिया है, यानी कि 25 ml का पूछ रहा है, तो इक्वल टू 25 / यहाँ पे 1000 L। फिर से देखिए 1 L = 1000 ml होता है, तो 1 ml = 1/1000 L हो जाएगा। अब जब हम यहाँ पे 1 ml की वैल्यू हमें पता है कि 1/1000 L होती है, तो यहाँ 25 ml को चेंज करने के लिए 25 × सेम 1 वाली जो वैल्यू है रखेंगे, और फिर इस 25 का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/1000 आ जाएगा। फिर इस प्रोसेस से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, 1000 हो जाएगा, ब्रैकेट में 25 हो जाएगा, ठीक। तो अभी भी ये डिवाइड होगा नहीं होगा, डिजिट छोटा है, तो 0 पॉइंट लगाने के बाद जब हम यहाँ पे 1.0 लगा देंगे तो क्या अभी ये कटेगा, नहीं कटेगा, हमें इसके लिए 1 0 और लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 0 लगा के आगे कंटिन्यू करेंगे कि ठीक है, हमें यहाँ 2 0 लगाना पड़ा, इसलिए हमें यहाँ पे पहले 1 0 ऐड करना पड़ा। फिर से समझिए, देखिए ये 1000 था, अब अंदर है यहाँ पे 25। अगर हम यहाँ पे 0 पॉइंट करके यहाँ 1 0 करते हैं तो क्या ये सफिशियंट है? हम एक बार 0 पॉइंट लगाने के बाद एक डिजिट में एक बार ही 0 लगा सकते हैं, जैसे कि 25 हम एक ही 0 लगा पाए, ठीक है। अगर हमें फिर से एक और 0 की नीड है तो हमें यहाँ पॉइंट के बाद 0 ऐड करना होगा और यहाँ पे भी ऐड करना होगा, ठीक है। फिर आएगा 1000 × 2000, 2000, 0 से 0, 0 से 0, 5 0 करेंगे 5, फिर क्रॉस हो जाएगा। फिर अब हम देखिए, अब हमने कहा कि अगर हमने एक बार डेसिमल लगा लिया तो हम 0 किसी भी डिजिट में किसी भी टाइम में एक बार ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम एक बार ऐड कर दिए, तो 1000 × 5 = 500 से ये क्रॉस हो जाएगा आपका, ओके। तो ये देखिए, इसके बाद आपका जो आंसर आया था पहले, ये जब आपने 25 Cl को सॉल्व किया था तो इसका आंसर 0.25 L आया था, देन जब आपने 25 ml को सॉल्व किया तो आपका आंसर 0.025 आया। तो यहाँ पे 0.25 L प्लस 0.025 L को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर 0.275 आ जाएगा। कैसे ऐड करेंगे, 0.025, फिर यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, 0.25 है ना, 25 है, यहाँ पे 0 आपका लग जाएगा, ठीक है। जब आप कोई भी डिजिट नहीं होता तो हम उसको 0 ही मानते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 5, ठीक है। 5 और 2 कितना होता है 7, 0 और 2 2 हो जाएगा, 0.275 L आपका आंसर हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, मैं उसका PDF भी आपको सेंड कर दूँगी, ओके। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी कन्फ्यूजन, या आपको समझ में नहीं आया कोई भी चीज़, तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू।